होगा। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि किस किस्म की शर्मिंदगी है, किस किस्म की शर्म आ रही है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर से बाइटिंग द डस्ट। छठा टेस्ट मैच है इन लाइन जो कि हम जीतने में नाकाम रहे। ठीक है, इसके बाद हम आगे और क्या करें? प्रॉबेबली आई थिंक पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस से बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनली। दैट विल बी वेरी हार्श स्टेटमेंट। आज जो हुआ हमारे साथ वो आपने देख ही लिया, बहुत बुरी तरह हार गए। बस दूसरा टेस्ट मैच इस तरह खेले यार कि यार ये पता लगे, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा, ये भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको, शर्मनाक शिकस्त हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती। जो जो चीजें हमारे मजहब में मना है ना, वो चीजें इधर होती है। मुखबरी समझते हैं, खुलेआम हो रही होती है। पैसा डॉलर्स में ये प्यार है, कब्र में लेके जाएंगे। तीन गुना लगान देना पड़ेगा, तीन गुना। पाकिस्तान टीम को मशवरा ये है कि थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आप लोग लगान मूवी देखिए, अगर आपने नहीं देखी। और यार आप लोगों के पास कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो कचरे से ही थोड़ा सीख ले, कचरा जैसा बॉलर ले आए। होम ग्राउंड पर लगातार 11वां टेस्ट हारने का यार हमें क्रिकेट है, मतलब के हमें एक्चुअली इन्होंने सिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। लेकिन अगलों ने 150 ओवरों में 823 बन बना दिया, अब क्या करें यार। उनके लिए यार दुआ मांगो, उन्होंने 200 ओवर नहीं खेल दिए, वो तो 1200 रन कर जाते हैं। So, but it's very disappointing. आप इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के हालात आपको पता ही हैं, पिछले 5-10 साल से काम खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। बस अब दुआ ही की जा सकती है। और तो मेरे ख्याल है इन मसलों के साथ ख़वातीन और ज़ात हम दुआ करते हैं, दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआ बाद में करेंगे, दुआ का यहाँ चांस बन नहीं रहा। यार कुछ खुदा का खौफ लो यार, खुदा का नाम लो, चाहे अल्लाह के नमाज पढ़ो और पीछे किसी का पे। अगर बात करूँगी किस किस्म की शर्मिंदगी है, किस किस्म की शर्म आ रही है, किस किस्म की नदामत हो रही है, किस किस्म की फीलिंग्स हैं इस वक्त, अगर मैं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट बात करूं तो मेरे लिए शायद ये प्रोग्राम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर से बाइटिंग द डस्ट। छठा टेस्ट मैच है इन लाइन जो कि हम जीतने में नाकाम रहे। ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस टुडे, मुझे अफसोस भी है, मुझे गुस्सा भी है। उसके बाद भी आज हम उसी मोड़ पे खड़े हुए जिस पे हम पहले भी थे, तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके बाद हम आगे और क्या करें। प्रॉबेबली आई थिंक पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस से बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनली। दैट विल बी वेरी हार्श स्टेटमेंट। क्यों भाई, वही हुआ जिसका हमें इंतजार भी था। जो बोएंगे वो काटेंगे, सिंपल। इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। ओवर द डेकेड्स ये डिक्लाइन में देखता आ रहा था, डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। बिकॉज जो थोड़ा सा यार दिल बर्दाश्त ना बना इसलिए हो जाता है यार। ठीक है, टेस्ट मैच हार जो, दैट्स फाइन, आप कोलैप्स कर जो, दैट्स फाइन। थोड़ा सा यार आपका 19-20 का मैच या 15-20 का मैच तो नजर आए, तो वन साइड ही हार गए ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाथ ही खड़े कर गए, रॉजर्ड हो गए बिल्कुल टोटल कि यार हम तो आई एम सॉरी। इंग्लैंड ने आपको 800 मारा, बांग्लादेश ने भी आपको हरा। पाकिस्तान टीम अपना एक और टेस्ट मैच अपने ही होम ग्राउंड में हार गई। शान मसूद की कैप्टनशिप के अंदर पाकिस्तान टीम ने लगातार 6 टेस्ट मैच खेले और कॉन्स्टेंटली 6 के 6 मैच एक तरफा हारे, चाहे अपने होम ग्राउंड में या चाहे किसी भी सिचुएशन में। शान मसूद की कैप्टनशिप में पाकिस्तान टीम हारी है। अगर शान मसूद की बात ना भी करें, ओवरऑल पाकिस्तान टीम 2021 से लेकर अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। तकरीबन पाकिस्तान टीम को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं कि पाकिस्तान टीम अपना एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टोटली खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान के लड़के पाकिस्तान के बॉलर से जान मारते हैं। T20 फॉर्मेट के उनको पता है कि 4 ओवर की बॉलिंग करनी है, करके वो गए। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बॉलर का खून पसीना निकलता है, टेस्ट फॉर्मेट में असल बॉलर के स्किल का पता चलता है, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर असल प्लेयर की बैटिंग का, प्लेयर के मेंटल लेवल का, प्लेयर की फिटनेस का और प्लेयर के कॉन्फिडेंस लेवल के अलावा प्लेयर की जो फिजिकल नाला होता है कि उसमें कितना स्टेमिना है। लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी बल्लेबाज इतना स्टेमिना नहीं है। जो रूट के अलावा बैरिस्टो के अलावा हैरी ब्रुक, इन 3 खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हैरी ब्रुक ने 325 स्कोर किया, 325 स्कोर करने का मतलब है कि उन्होंने 50 से 60 ओवर खेले। और अगर एक खिलाड़ी 60 ओवर लगातार खेलता है तो सोच सकते हैं कि उसका स्टेमिना किस कदर होगा, जबकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिस पर इतना स्टेमिना कि वो इतना ज्यादा परफॉर्म कर सके। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार पीसीबी तो है ही, जबकि दूसरी तरफ प्लेयर्स की अपनी गलती भी है, क्योंकि प्लेयर जान नहीं मारते, प्लेयर सिर्फ T20 पे जोर लगाते हैं कि T20 में 4 ओवर की बॉलिंग की, बॉलिंग करके मैच हो गया। लेकिन जैसे ही टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है, जहां पर बॉलर्स की स्किल का अंदाजा होता है, वहां बॉलर्स की हवा निकल जाती है। क्या
हम क्या करें। एक तरफ इंडिया के बॉलर जो कि टेस्ट फॉर्मेट पे अपना नाम बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई भी बल्लेबाज कोई भी बॉलर टेस्ट फॉर्मेट की टॉप 10 रैंकिंग में दूर दूर तक भी नहीं। अप्रोच देखो, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, हम किस लिए खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम को मिसाल के तौर पर रेस्ट करने की बात होती है तो आपका रमीज राजा साहब बैठ के ये बात कर रहा है कि यार उससे पूछना पड़ेगा। बाबर आजम से पहले पूछेंगे कि यार तुम रेस्ट करना चाहते हो या नहीं रेस्ट करना चाहते। अबे भाई ये कौन सी लॉजिक है। अगर बाबर को रेस्ट चाहिए तो चाहिए ना यार, आप उसको रेस्ट करवा दो यार, कुछ खुदा का खौफ लो यार, खुदा का नाम लो, जाओ यार कोई और काम करो। पाकिस्तान की बेइज्जती ना कराओ यार, साड़ी बेइज्जती ना कराओ, असी तो पागल हो गया। लोगों ने बेइज्जती कर करके मत साड़ी मार देती है, कमेंट कर करके साड़ी वाट ला देती है। इस मुल्क की क्रिकेट का डाउनफॉल क्यों हुआ। जो जो चीजें हमारे मजहब में मना है ना, वो चीजें इधर होती है, मुखबरी समझते हैं, खुलेआम हो रही होती है। पैसा डॉलर्स में ये प्यार है, कब्र में लेके जाएंगे, चाहे अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ो और पीछे किसी का किसी के साथ ज्यादती करो तो पूछा जाएगा। अल्लाह से करो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज, 500 प्लस रन करने वाली टीम एक इनिंग्स से हारी और पाकिस्तान के कप्तान छठी दफा मैच आ रहे। कितनी दफा? छठी दफा लगातार 6 मैच, लेकिन शर्मनाक शिकस्त। ये आंखें खोल लो इस तरह अभी भी, नहीं तो ऐसे बंद कर लो ऐसे कि भाई होने दो जो हो रहा है। बस चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए पाकिस्तान में। क्या बस चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए पाकिस्तान में? अबे पहले अपनी क्रिकेट को सही करो यार। 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना। पाकिस्तान टीम को मशवरा यह है कि थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आप लोग लगान मूवी देखिए, अगर आपने नहीं देखी। और यार आप लोगों के पास कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो कचरे से ही थोड़ा सीख ले। कचरा जैसा बॉलर ले आए वो, जिसने इंग्लैंड की टीम को उनके आउट कर दिए थे, तो उस तरह का बॉलर नहीं मिल रहा कोई। यार कोई खुदा का खौफ होता है। आप लोगों ने मजाक बना लिया है, जो आता है आपको जो है ना मंदिर के घंटे की तरह बजाता है और चला जाता है। 125-25, 30-30 की पेस हो गई है सबकी। वो दूसरे उसी पिच के ऊपर जो है ना आके आपको इस तरह तिगनी का नाच नचाते हैं, आपको रेत की दीवार की तरह ढेर करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं चल पाएगा, आपकी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, इससे नीचे आप क्या जाएंगे। आप इस तरह ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। फ्लैट पिच बना के पहले 550 खुद कर दिया है, उसके बाद ऊपर से 850 करवा लिया आपने उनसे, 850 करवा लिया। इधर अमेरिका में आए हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, रात को 1-1 बजे उठ के आप लोगों का मैच देखते हैं, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, आप लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं, और आप लोग जो है ना एटीट्यूड ही नहीं है आप लोगों का, कोई ख्याल नहीं है। आप जरा आए बाहर आए, जरा लोग देखें कितने अच्छे हसीन लफ्जों में आपको याद कर रहे हैं, आपकी टीम को याद करते हैं। आए जरा सुने इनकी बातें आके, वो किन किन अल्फाजों में आपको याद कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क की भारत की क्रिकेट देखें कि वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं कि 2.5-2.5 दिन बारिश हो रही है, अगले 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैच जो कि डोमेस्टिक में नहीं होता। तो आप एक मैसिव डिफरेंस देख रहे हैं चीजों का। अभी ये जो रेडी की इनिंग T20 में जो उनका आया है, वो देखिए आपने क्या इनिंग उसने खेली है, 7 छक्के उसने मारे हैं पहले ही मैच के अंदर अपने। तो इस तरह का टैलेंट वहां पर निकाला जा रहा है।